लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आखिरकार रूस ने वो हथियार बाहर निकाल ही लिया जो आधी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। जी हाँ, रूसी सेना ने कहा है कि उसने अपनी नवीनतम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर पश्चिमी रूस के प्लेसेट्स्क से शनिवार 30 मार्च को सरमत मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। सरमत मिसाइल सोवियत युग में डिजाइन किए गए वोयवोडा की जगह लेगी। वोयवोडा दुनिया का सबसे भारी ICBM है, जिसे पश्चिमी देशों में शैतान के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरमत का वजन 200 मीट्रिक टन है और यह वोयवोडा से ज्यादा लंबी दूरी तक मार्च कर सकती है। उन्होंने कहा था कि सरमत उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर उड़ान भर सकती है और दुनिया में किसी भी जगह पर अपने लक्ष्य को भेद सकती है। पुतिन ने यह भी कहा था कि सरमत वोयवोडा की तुलना में अपने साथ ज्यादा बड़ी मात्रा में युद्धक सामग्री ले जा सकती है। अमेरिका के 60 राजनयिकों को 7 दिन के भीतर देश छोड़ने और 48 घंटों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग वाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए कहा है। सैंडर्स ने कहा, अमेरिका और 24 से अधिक देशों तथा नाटो सहयोगियों द्वारा इस सप्ताह रूस के अघोषित खुफिया अधिकारियों को निष्कासित करना ब्रिटेन की सरजमी पर रूस के हमला का उचित जवाब था।